हेलो हाय, कैसे हैं हमारी साइंस आर्मी? कमेंट करके पहले तो ये बता दीजिए दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उर्ज रिएक्शन के बारे में। हालांकि इससे पहले मैंने कई सारी अभ्यास करवा दिया है, उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जा करके उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। जो बच्चे इस बार 2022 में एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड, वो भी क्लास 12th के बच्चे, उनके लिए ये अभ्यास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। हालांकि मैंने जो अभ्यास करवाया है वो भी आपके लिए उतनी ही कारगर साबित होगी जितनी कि ये। तो यहाँ मैं क्या करवा रहा हूँ, एक नए सिरे से नए अभ्यास के बारे में हम लोग मिलकर के चर्चा करेंगे और यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, उर्ज अभिक्रिया के बारे में, ठीक है दोस्तों? कौन सी अभिक्रिया? उर्ज अभिक्रिया के बारे में हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है, उर्ज रिएक्शन के बारे में। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि उर्ज अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे से। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, ठीक है, जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिकृत करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही उर्ज अभिक्रिया हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, उर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई? खैर, हम लोग आगे बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको मैंने इसकी डेफिनेशन दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि जब आपके एग्जाम में प्रॉपर इसके बारे में जब पूछता है तो आपको डेफिनेशन सहित तो इसका इक्वेशन भी आपको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, आप डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, अभी जो बातें यहाँ पर मैंने लिखी थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ बोला गया था कि जब दो एल्किल हैलाइड के, मतलब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोला जाता है उर्ज अभिक्रिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना जरूरी होता है कि आपका ये एल्किल हैलाइड क्या होता है, ये एल्किल हैलाइड कौन सी बला है। तो चलिए, वैसे अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसके बारे में तो आपको प्रॉपर पता ही होगा। खैर, एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो एल्किल हैलाइड को RX से डिनोट करते हैं। अब R का मतलब है एल्किल, ठीक है, R होता है आपका एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है, और जो आपका X होता है, ठीक है ना, X जो होता है वो आपका क्या होता है, हैलोजन। आपका X क्या होता है, हैलोजन। अब इसके अंतर्गत आपका क्या आता है, X के अंतर्गत आपका FClBrI, लेकिन जो F होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हम क्या लेंगे, ClBrI को ले लेंगे। और R का मतलब क्या होता है, R जब हम, देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल्किल ग्रुप। क्या प्राप्त होता है हमको, एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। सपोज करो, अब देखिए एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, CnH2n+2। अब इसी में से एक हाइड्रोजन अगर कम कर देंगे तो बन जाएगा फॉर्मूला CnH2n+1, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि एक हम क्या कर देंगे, एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। जैसे सपोज करो, अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं सपोज करो यहाँ पर लिया मैंने CH4। अब इसको पढ़ेंगे क्या, मेथेन पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे इसको, मेथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन अगर मैंने कम कर दिया तो क्या बन जाएगा,
CH3 बन जाएगा। अभी तक देखो एल्केन था तो इसमें एन ऐड हो रहा था, देखिए ना मेथ कार्बनिक संख्या जब एक होती है यहाँ लगाते हैं मेथ, और यहाँ पर जो हम अनलग्नक लगाएंगे इसके रिगार्डिंग तो क्या हो जाएगा आपका एन, तो बन गया मेथेन। लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा इसका नाम, अब इसी का नाम हो जाएगा मेथिल। तो एल्केन, एल्केन की वजह से इसका नाम मेथेन और एल्किन की वजह से इसका नाम मेथिल। अभी इसी तरीके से अगर हम और कुछ भी ले लें, सपोज करो इसको मैं अभी देखिए इसके जगह पर और कोई एग्जांपल ले लूं। मान लीजिए मैंने लिया C2H6, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया तो बन जाएगा C2H5। अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल। क्या हो जाएगा इसका नाम, एथिल। तो आपका जब यहाँ पर आपने देखा कि R क्या है आपका एल्किल ग्रुप है और X क्या है आपका हैलोजन परमाणु है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि जो आपका एल्किल ग्रुप होता है उसमें एक बॉन्ड की जगह खाली होती है, मतलब एक बॉन्ड अभी आपका बचा हुआ होता है जिससे आपका दूसरा कोई एटम्स आके जुड़ सकता है। समझे बात को, सपोज मैंने लिया CH3, जबकि CH3 को हम क्या बना सकते हैं प्रॉपर में, CH3 को हम लिख सकते हैं ना, CH3 को हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से CH, एक H यहाँ लगा देंगे, एक H यहाँ लगा देंगे, ठीक है जी। अभी हमारा जबकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो हमने यहाँ सिर्फ 3 हाइड्रोजन जोड़ के रखा है, अभी एक की तो जगह खाली ही है ना। तो यही जो होता है आपका यहाँ पर जब आपका CL जुड़ जाए, ध्यान से समझिएगा बात को, यहीं पर आपका चाहे BR जुड़ जाए, यहीं पर चाहे आपका I जुड़ जाए, तो आपका बन जाता है क्या, यही आपका बन जाएगा क्या, यही आपका बनेगा, ठीक है, यही आपका क्या बन जाएगा, अब आपका बनेगा CH3 तो था ही, अब जब CL जुड़ गया बन गया CH3Cl। तो इसका मतलब RX का मतलब ये होता है आपका एल्किल हैलाइड। एल्किल से मतलब एल्किल ग्रुप से जब आपका कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। देखिए एक बार अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, हम चलिए देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को, एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को, चलिए जी तो एल्किल हैलाइड के दो अणु ले लेते हैं, तो RX ये हमारा क्या है एल्किल हैलाइड। अब इसके दो अणु ले रहे हैं, चलो जी दो अणु ले लिया, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, तो सोडियम धातु के साथ जब इसको क्रिया कराएंगे इसके भी दो अणु ले लेते हैं, ठीक है, तो सोडियम धातु के साथ जब क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, सुस्त ईथर की उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको करवाएंगे, तो आपका क्या बनेगा। अभी देखिए ये अभी डायरेक्ट बहुत सारे बच्चों को कम समझ में, हालांकि आप समझ जाओगे इतने तो आप यार यहाँ तक पहुँचो तो आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई है। खैर इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, RX को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं RX, मतलब RX क्या है, एल्किल हैलाइड है आपका। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो दो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा जी इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, RX+2Na+XR, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या होगा देखिए जरा, X ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा आपका, यहाँ पर क्या X और दो सोडियम परमाणु, ठीक है, तो दो सोडियम परमाणु और आपका दो हैलोजन परमाणु मिल करके यहाँ क्या बना लेगा, 2NaX बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आपका क्या बना लेगा 2NaX। अब बचा क्या है R क्या था आपका एल्किल ग्रुप था, तो ये आपका बन जाएगा क्या R सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल, अब यहाँ से ज़्यादा खाली थी मैं इसको आपको और इजी बनाते हुए इसको किस तरीके से लिखिए ताकि आपको आसान हो, आइए अब आपको ये ज़्यादा आसान लगा होगा इसको क्या करेगा, ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, अब देखिए अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर मान लेते हैं हमने ले लिया CH3, ठीक है, ये CCl+2Na, इसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो गया, सपोज करो फिर से यहाँ CH3Cl ले लेते हैं। अब CH3Cl को हम क्या लिख सकते हैं, CH3Cl को हम CH3Cl लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो हमने लिया CH3, इसको हमें जी देने लाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान देखिए आप, यहाँ पर आपका हो जाएगा Cl, ठीक है, दो Cl परमाणु मतलब दो क्लोरीन परमाणु और दो सोडियम परमाणु, तो क्या बन जाएगा आपका 2 Na
CL और आपका बचा क्या CH3 तो बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आप जरा आप ध्यान से देखिए, ठीक है, वन मिनट। अब जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 था, अब इसमें दो कार्बन है तो एक दो कार्बन होते, क्या लिखते हैं एक, और जब सिंगल बॉन्ड लगा होता तो क्या अनुलग्नक लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया एथेन। एथेन किसके अंतर्गत आता है जी, एल्केन के अंतर्गत आता है। और आपका ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। अभी इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम हैलाइड पढ़ेंगे। हैलाइड का मतलब क्या हुआ, अभी सोडियम तो सोडियम रहेगा, हैलाइड का मतलब क्या है, क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन है तो सोडियम ब्रोमाइड, आयोडीन है तो सोडियम आयोडाइड। तो ये बातें हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसका मतलब यही है, सीधा सा फंडा यही, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही समझना है कि जब दो एल्किल हैलाइड के परमाणु, ठीक है, जब दो एल्किल हैलाइड आपका सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है एल्केन, हमको प्राप्त होता है एल्केन, क्या प्राप्त होता है एल्केन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या, उर्ज अभिक्रिया, क्या बोलते हैं इसको, उर्ज अभिक्रिया बोला जाता है। चलिए और एग्जाम्पल लेकर के इसको देखते हैं, ठीक है, और सारी एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या फिर नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। सपोज यहाँ पर हमने लिया C2H5Br, ठीक है, C2H5Br, और यहाँ पर फिर से अभी देखिए ये सोडियम तो बिल्कुल रहना ही है इसको, ठीक है, ये बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। ये आपका एल्किल ग्रुप बदल सकता है, मतलब CH3 की जगह पे C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। और यहाँ पर फिर से हमने क्या किया, C2H5 क्या ले लिया, फिर से हमने क्या किया, Br ले लिया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा जी, यहाँ पर आपका ध्यान देखिए, फिर से ब्रोमीन ब्रोमीन और सोडियम, तो दो ब्रोमीन के परमाणु हो गए आपके और दो सोडियम का हो गया, तो क्या बन जाएगा आपका, टू एम ए बी आर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका बच्चा क्या, C2H5, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो यह हो जाएगा आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H, और जी कैसे तो ये हो गया आपका C2H5। इसका मतलब इसका नामकरण करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इतने हिस्से को मैंने ऐसे लिख दिया, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इतने हिस्से को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें देखो 1 2 3 4, तो चार आपके कार्बन परमाणु हैं, तो जब चार कार्बन परमाणु होते हैं तो क्या लिखा जाता है मूल शब्द में, ब्यूट, और प्लस में क्या लगा देंगे, ब्यूट लगाएंगे, प्लस में क्या लगाएंगे, एन, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ब्यूटेन, क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटेन बन जाएगा। तो हुआ ना, प्राप्त हुआ ना आपको एल्केन, ब्यूटेन इसके अंतर्गत आता है, एल्केन के अंतर्गत ही तो आता है। अब जरूरी नहीं, देखिए अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर एल्केन ग्रुप सेम ही लो, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ लिया C2H5 और यहाँ पर मान लो इस बार आई लेता हूँ प्लस 2NA, और फिर से आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं CH3 ही लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा L2 ग्रुप है, ही है, ये L2 ग्रुप ही है, और ये आपका आयोडीन मिलकर के क्या बन गया आपका, एल्किल आयोडाइड बन गया, हैलाइड तो बनता ही है, लेकिन अब जब CH3 है और I है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल आयोडाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल आयोडाइड, ठीक है। तो इस बार मैंने मेथिल आयोडाइड और ये एथिल आयोडाइड, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन परमाणु है, यहाँ पर दो कार्बन परमाणु है, तो दो होता है तो एथ, एक होता है तो मेथ, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, एक सोडियम यहाँ पर है, एक सोडियम यहाँ पर, तो दो सोडियम हो गए और आपका Na, तो क्या हो गया, 2NaI, क्योंकि दो आयोडीन भी है, एक दो और दो सोडियम भी है, और प्लस में अब आपका बचा क्या, C2H5 और आपका CH3। तो जी देखो C2H5 को हम क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल, एक बार मैं डायरेक्टली वैसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ, कैसे लिख दे रहा हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्या C2H5 सिंगल बॉन्ड, ये क्या लगा देंगे CH3। इसको फिर से कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए जरा, अब इसमें कितने कार्बन परमाणु, 1 2 3, जब तीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको जब तीन है तो इसमें आएगा मूल शब्द, क्या लिखेंगे, प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप, और एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका,
प्रोपेन तो हुआ ना एल्केन के अंतर्गत आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यही इतनी बातें थी कुल मिला के वुड्स रिएक्शन में। आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, और आपको इसमें जो भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। ठीक है, एज पॉसिबल एज जितना मुझसे हो पाएगा आपके लिए मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और आप लोग ऐसी क्लास को एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बस ऐसे अपना प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।